आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज एंड नेचुरल स्ट्रेजर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पुदीने की बात करेंगे। मेंथा, पिपरीटा, लेमिएसी फैमिली का सुंदर प्लांट और घरों में, गमलों में औषधीय उपयोगों के लिए आप इसको लगा सकते हैं। आसानी से कटिंग के माध्यम से हो जाता है। इसके लीव्स एयर प्यूरिफिकेशन का भी कार्य करते हैं। इंडोर प्लांट है, सहजता से हो जाता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए हम उपयोग में लाते हैं। पेट में खिंचाव हो गया हो, पेट में गर्मी हो गई हो, फ्लैटुलेंस की समस्या हो, पेट में गैस बनती हो, उन सब से निराकरण करने का, उनको दूर करने का कार्य करता है। डाइजेशन को बढ़ाता है और मस्कुलर स्पाज्म भी हो जाता है तो उसको भी ठीक करता है। इसके पत्र का पेस्ट बनाकर आप उपयोग कीजिए। आप लोग इसकी चटनी भी खाते होंगे। इसकी चटनी विशेष गुणकारी होती है और खाने के साथ अगर चटनी का इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज़ होने का खतरा भी काफ़ी हद तक टल जाता है। ये हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करता है। लीवर सेल्स को स्टीमुलेट रखता है और लीवर की जब स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा रहता है और हमारी इम्यूनिटी अपलिफ्टेड रहती है। इससे निकलने वाला तेल मस्कुलर स्पाज्म के लिए, सोरियसिस की समस्या के लिए, वुंड की हीलिंग के लिए, घाव भरने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं। इसके पत्रों का पेस्ट माइक्रोबियल, फंगल, बैक्टीरियल और वायरल, इन प्रकार के डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने का कार्य करता है। मॉर्फोलॉजिकली कोई समस्याएं हैं, एक्सटर्नली आप देख पा रहे हैं तो इसका पेस्ट बनाकर लगा दीजिए। साथ ही साथ आप इसके पत्र का इन्फ्यूज़न भी पीते रहें। आसानी से हील करने का कार्य करता है। एलिमेंट्री कैनाल, उसकी स्मूथनेस को बनाए रखने का, गट के बायोटा को मेंटेन रखने का और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, उसको भी ठीक करने का कार्य करता है। कूलिंग इफेक्ट होता है। बहुत गुणकारी ये प्लांट है। आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें। इसके पत्रों में काफ़ी फ्रेग्रेंस होती है और एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनोलिक कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं। एंटी कैंसरस पोटेंशियल इस प्लांट का होता है, एंटी एजिंग पोटेंशियल इस प्लांट का होता है। काफ़ी इफ़ेक्टिव है, गमलों में आसानी से लग जाता है। बहुत गुणकारी प्लांट है पुदीना, हम लोग कहते हैं। बुखार के लिए लेमिएसी कुल का ये प्लांट है। बार बार होने वाले बुखार के लिए, क्योंकि अभी बरसात के मौसम में पेट में कीड़े हो जाते हैं, वात के कारण कहीं भी बॉडी में पेन होता है, बॉडी एक होता है, उनको भी ठीक करता है। डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता है और पेट में अगर कीड़े हैं उनको भी बाहर निकालने का कार्य करता है। मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन का कार्य करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट रखता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ठीक करने का कार्य करता है। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी इसकी होती हैं। इसका हमें सुखाकर चूर्ण बनाकर भी रख सकते हैं और फ्रेश कंडीशन में इसका जूस मिल जाए तो उत्तम होता है। काफ़ी अच्छी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मित्रों, कुछ व्यक्ति इसके पत्र से सेंसिटिव होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों में कई बार कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस या रेडनेस, इचिंग हो जाती है, तो वो इसको ज़्यादा उपयोग में ना लाएं। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस की अवस्था आप देख रहे हैं, इस अवस्था में कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और एलर्जिक रिएक्शंस होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो आवश्यकता अनुसार, जैसे कि ये सॉफ्ट लीव्स हैं, इनको उपयोग करें तो हाइपर सेंसिटिविटी की और कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस की, रेडनेस की, इचिंग की समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। कई प्रकार की कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस में एंटी एजिंग एक्टिविटी, एंटी रिंकल एक्टिविटी के लिए भी इसके ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और इमल्सिफायर का भी इसका ऑयल कार्य करता है। ऑयल का उपयोग ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए भी हम लोग करते हैं। पायरिया की समस्या के लिए, टूथेक की डिसऑर्डर्स के लिए, सेंसिटिविटी के लिए हम इसके ऑयल का, हमें हल्के हल्के हाथों से मसाज करना चाहिए। आपके दांतों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है। बहुत ओरल हाइजीन के लिए, बाउंड की हीलिंग के लिए,
डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए। न्यूरो प्रोटेक्टिव भी इसका इफेक्ट होता है, लीवर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है, हॉर्मोन्स को रेगुलेट रखने का कार्य करता है, बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य करता है। सावधानी के साथ आप इसका उपयोग कीजिए और इससे बनने वाला जो शरबत होता है वो हीट स्ट्रोक से बचाता है और होने वाले फीवर को, हेडेक के, माइग्रेन की समस्या के लिए इसका पेस्ट बनाकर फोरहेड पे लगाना चाहिए और सुखा कर इसका पाउडर बनाने लेना चाहिए। धूप में नहीं सुखाना चाहिए, छाँव में सुखाना चाहिए ताकि इसका फ्रेग्रेंस बना रहे। जानकारी अच्छी लगे तो अवश्य शेयर करें। स्पेसिफिक प्लेलिस्ट भी आप हमारी देख सकते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए, और डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ, नई चर्चा के साथ। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।